दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 7.21 बुक में फिगर है आपकी, AC इज इक्वल टू AE। AC जो लाइन है ये AE के बराबर है, निशान भी लगा हुआ है बिल्कुल सेम जैसा। AB इज इक्वल टू AD और AB जो है ये AD के बराबर, यहाँ पे सिंगल सिंगल निशान लगा यानी कि ये दो लाइनें आपस में एक जैसी हैं, इक्वल हैं। और यहाँ पे डबल डबल निशान यानी कि ये दो जो लाइन्स हैं इनकी लेंथ आपस में बराबर है। एंड एंगल BAD यानी इतना एंगल जिस पे निशान लगा हुआ है इज इक्वल टू EAC, ये भी निशान लगा हुआ है एंगल का। तो तीन चीज़ें ये गिवन है, एंड शो दैट BC इज इक्वल टू DE। आपको शो करना है कि BC, ये लेंथ BC और ये DE, ये आपस में बराबर है। अब BC को और DE को बराबर करने के लिए आपको दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे इसके अंदर, जिनके अंदर BC और DE आ रही है, और फिर उन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे तो BC और DE CP CT से आपकी बराबर हो जाएंगी। तो ये देखते हैं कि कौन से वो दो ट्राइंगल्स हैं जिन्हें हम कॉन्ग्रेंस प्रूफ करके BC DE को बराबर कर सकते हैं। देखिए BC अगर इसके ऊपर चलते हैं तो ये A आ गया, यानी ABC, ABC ट्राइंगल के अंदर आपका AB और AC ये दो अलग अलग लेंथ की लाइंस हैं। इसी तरह अगर DE के ऊपर देखें तो DE यहाँ पे चला जाता है थर्ड पॉइंट, तो ये ट्राइंगल बन गया ADE। और इसके अंदर भी आपका AD और AE ये दो अलग लेंथ के लाइंस हैं। अब इनमें बात ये है कि दोनों ट्राइंगल के अंदर ना आपकी एक एक लाइन, एक एक साइड जो है वो इक्वल है। इन दो ट्राइंगल्स का पहले नाम लिखते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ से शुरू हो गए तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC लिया मैंने, ADE। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर आपका ABC के अंदर ये जो AB लाइन है ये बराबर है आपके दूसरे वाले ट्राइंगल में AD के बराबर, क्योंकि AB तो इस तरफ ये लाइन आ रही है ना इस ट्राइंगल के लिए, और AD जो ये है ये इस ट्राइंगल के लिए है ADE। और देखिए ये दोनों की दोनों आपस में बराबर है, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। तो ABC में से AB और ADE में से AD ये दोनों आपकी बराबर है, रीजन ये गिवन है। और ये आपकी साइड है तो S लिख लीजिए इधर। अच्छा दूसरी तरफ आप ये जो AC साइड है आपके ABC में AC और ADE में AE, ये भी दोनों में आपस में बराबर है, तो इसका लिख लिया मैंने AC और इसका लिख लिया मैंने AE, ये भी गिवन है और ये साइड है। अच्छा इसमें जो रूल लग रहा है आपका, क्रिटेरिया जो लग रहा है वो लगेगा साइड एंगल साइड। मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो मेरा एंगल है इस ट्राइंगल के लिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल, और इस ट्राइंगल के लिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल, ये मेरा बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक का तो एंगल आपको बराबर दिया हुआ है, इतना और इतना पोर्शन दोनों ट्राइंगल में, और ये जो बीच का पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये आपका इसमें दोनों में ऐड हो जाएगा। अगर इस एंगल का मैं नंबर 1 रख लेता हूँ तो फिर मैं इसे ऐसे दिखाऊंगा कि ABC के अंदर आपका एंगल A प्लस एंगल 1 और ADE के अंदर एंगल A, इसका अगर पूरा नाम लिखना चाहें आप तो पूरा लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये एंगल्स कई सारे बन रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लें BAD। तो एंगल BAD यानी यहाँ तक का ये वाला एंगल, और इसमें 1 प्लस कर दिया और इधर क्या हो जाएगा CAE प्लस एंगल 1, तो आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि BAD और CAE आपस में बराबर है, ये गिवन है, और दोनों तरफ मैंने एक सेम चीज़ को ऐड किया है। तो जब इक्वल्स के अंदर कोई इक्वल चीज़ ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी आपस में बराबर आता है। तो इसका जो रिजल्टिंग एंगल आएगा ये हो जाएगा BAC,
यानी इतने में आपका एंगल 1 भी जुड़ जाएगा, तो बी ए सी इसका रिजल्टिंग एंगल आएगा, चलिए इसे बाद में लिख लेंगे, इसको बना लेते हैं पहले, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, और यहां हो जाएगा डी ए ई, क्योंकि इतना तो बराबर था ही गिवन में, 1 और ऐड किया इसमें, तो यहां से यहां तक का जो एंगल बना ये डी ए ई बन गया। तो ये करके दिखाना होगा आपको कि बी ए डी और सी ए ई तो आपस में बराबर है, इन दोनों में 1 प्लस किया तो रिजल्ट है वो भी बराबर आएगा, और रिजल्ट आए आपके ये दो एंगल्स, और ट्राइंगलों के अंदर ये आपके पूरे एंगल्स हैं जो बन रहे हैं, तो ये हो गया एंगल। अब जो तीसरी साइड उसको लिख लीजिए, यहां से ए सी और ए डी ई में से आपका ए ई, ये बराबर है, ये भी गिवन है, ये आपका साइड है। तो दो बराबर साइडों के बीच में आपका एक एंगल आ गया, और ये होता है एस एस क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया से आपके ये दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंस हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए डी ई, रूल साइड एंगल साइड। अब जब ये कॉन्ग्रेंस हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखिए, आपको चाहिए ना बी सी और डी ई, तो जो एंगल, ये जो एंगल आया ना आपका बड़ा वाला जो बना है बी ए सी, इस ट्राइंगल के अंदर बी ए सी एंगल के अंदर आपका बी सी है, इक्वल एंगल के सामने ये साइड। इसी तरह से डी ए ई एंगल बराबर है, उसके अंदर आपकी डी ई साइड है, तो बी सी और डी ई इन दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, और क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी बराबर होंगी, तो देयरफॉर बी सी इक्वल टू डी ई, रीजन में लिखेंगे सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, ये हो गया शो। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको दो एंगल्स दे रखे होंगे, दो एंगलों के बीच में एक साइड होगी आपकी, लेकिन वो जो दो एंगल होंगे ना वो आपके इक्वल होंगे, लेकिन जो ट्राइंगल्स के अंदर एंगल यूज होंगे उसमें आपको एक एंगल कॉमन एंगल प्लस करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको अच्छे से। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, देख रहे हैं आप ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, और पी इसका मिड पॉइंट है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी और ई ए बी के ए की तरफ दो पॉइंट्स हैं, सच दैट इस तरह से हैं कि एंगल बी ए डी, जो बी ए डी एंगल बन रहा है ये निशान भी लगा हुआ है, इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये एंगल ए बी ई के बराबर है। निशान पे ध्यान दें आप, दोनों तरफ एक जैसा निशान लगा है, ये निशान से ही देख के पता चल जाता है कि इसमें कौन से एंगल्स आपके बराबर है। आगे भी है, एंड ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ई पी ए ये जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है डबल लाइन से, ये वाला एंगल आपका बराबर है डी पी बी, इधर वाले ये इस एंगल से, तो ये चीज़ें तो इसमें आपको गिवन दे रखी हैं, ए पी और पी बी ये आपके बराबर होंगे क्योंकि पी मिड पॉइंट है, तो सारा गिवन हो गया। क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि डी ए पी और ई पी ई बी पी, डी ए पी ये वाला ट्राइंगल, दो ही ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, पतले पतले ये वाले आपके, एक ए पी पी एक ए ए पी के ऊपर बना हुआ है, और ई बी पी, ई बी पी एक ये वाला ट्राइंगल, तो जो पूरा मैंने शेडेड किया है इस वाले को, और ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है, इन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। तो चलिए इन दोनों को ले लेते हैं पहले सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी क्या क्या बराबर दिख रहा है हमको, डी ए पी के अंदर ये एंगल ए
और ई बी पी के अंदर एंगल बी, ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो लिखते हैं एंगल ए इसका एंगल ए इसके एंगल बी के बराबर हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो ए पी साइड है इस ट्रायंगल की, डी ए पी की, इस पी बी के बराबर है, क्यों? क्योंकि पी मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू पी बी। इसमें रीजन लिखेंगे गिवन, और इसमें लिखेंगे बिकॉज पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, एंगल आ गया, साइड आ गई, अब जो दूसरा एंगल आएगा वो इस साइड, इन इस साइड के दूसरा वाला होगा कॉर्नर। अब इसमें ध्यान से देखें आप, एंगल साइड और ये एंगल, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना रेड जो गिवन है बुक के अंदर, इससे आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर डी ए पी के अंदर आपका एंगल यहां से यहां तक बनेगा, और ये बराबर होगा, इसके बराबर होगा इस वाले के, यानी ई पी बी। वो क्यों होगा? क्योंकि इतना जो रेड वाला पोर्शन है ये तो दोनों में आपस में बराबर है, और इन दोनों के अंदर मैं कॉमन एंगल यानी कि एक सेम चीज जोड़ दूंगा, इसे मैं एंगल नंबर वन रख देता हूं। तो पहले से जोड़ के दिखाएंगे, एंगल ए पी ई बराबर है डी पी बी के, ये तो गिवन दिया हुआ है। इन दोनों के अंदर मैं एंगल वन प्लस कर देता हूं। जब मैंने दोनों में एंगल वन प्लस किया तो इधर क्या एंगल बन गया? ए पी और डी, यहां से यहां तक का, तो ये रिजल्ट आया ए पी डी। और इस तरफ क्या रिजल्ट आएगा? बी पी डी तो इक्वल दे रखा है रेड वाला पोर्शन, इसमें एंगल वन और जोड़ दिया तो यहां से बना बी पी ई या ई पी बी। ये एंगल हो गया ये आपकी साइड, ये भी एंगल है, बीच में आपकी साइड आ गई, और ये फिर से एंगल बराबर हो गया। तो एंगल साइड एंगल्स क्राइटेरिया से आपके ये दो ट्राइंगल्स कांग्रेस प्रूफ हो गए। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, ट्राइंगल डी ए पी इज कांग्रेस टू ट्राइंगल ई बी पी। रूल इसमें लगा एंगल साइड एंगल। सेकेंड पार्ट आपको और दिखाना है, इसके अंदर आपको दिखाना है कि ए डी बी ई के बराबर है। अब जो ए डी है वो आपके इस एंगल के सामने की ही तो साइड है इस ट्राइंगल के अंदर, जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है लेफ्ट वाला, और जो बी ई है वो आपके राइट वाले ट्राइंगल की इक्वल एंगल के सामने की साइड है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके बराबर है। और ये जो दो साइड्स जो दिखानी है सेकंड पार्ट में, ये इन एंगल्स के सामने की साइड है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। ए डी इज इक्वल टू बी ई, सी पी सी टी रूल लगेगा इसके अंदर। जब दो ट्राइंगल्स कांग्रेस हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं। ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो बस इतना सा ही था ये क्वेश्चन, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, क्लासमेट्स में शेयर करना, और नाइन्थ क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।